हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने राजनीतिक करियर को कांग्रेस के साथ जारी रखने पर एक मीटिंग की है। मीटिंग के बाद सभी सदस्यों ने अंतिम फैसला भूपिंदर सिंह हुड्डा पर ही छोड़ दिया है। इस मीटिंग के दौरान क्या क्या हुआ, हमारे सहयोगी अजय झा बता रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर पे आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये बैठक 18 अगस्त को रोहतक में जो रैली हुई थी उसके बाद एक 35 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया था चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कि वो कमेटी ये फैसला करेगी कि उनका और उनके समर्थकों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और इस दौरान कहीं ना कहीं लगातार इस बात की कोशिश की जाती रही, कई दौर की बैठकें हुई, बावजूद इसके हरियाणा को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ। और आज अभी ये बैठक खत्म हुई है, जो 35 सदस्य चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बनाए थे उस कमेटी की आज बैठक हुई है भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर पर। और उस बैठक के बाद ये बात सामने आई है कि उस कमेटी ने पूरी तरह से अधिकृत कर दिया है चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा को कि वो चाहे जो भी फैसला ले, जो ये कमेटी है उसमें जिसमें कई सारे वर्तमान और पूर्व विधायक और मंत्री मौजूद थे, उन लोगों ने ये कहा है कि आगे की क्या रणनीति हो, आगे का क्या फ्यूचर प्लान हो, वो चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा तय करें। इस बीच आज की समय तक हरियाणा को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो एक गुटबाजी और रस्साकसी दिख रहा था कि अशोक तंवर गुट और चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा गुट के बीच में, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस नेतृत्व कोई फैसला करे नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हरियाणा में, वो फैसला अब तक नहीं हो पाया है। एक तरफ बीजेपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी हरियाणा में अंतर्कलह और गुटबाजी से जूझ रही है। और कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन को लेके जो कांग्रेस के आलाकमान को फैसला करना था वो अब तक नहीं हुआ। और इस सब के बीच आज ये कमेटी की बैठक होना अपने आप में एक संकेत दे रहा है कि सब कुछ हरियाणा में ठीक ठाक नहीं है। क्या चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे या अपना कोई अलग पॉलिटिकल आउटपुट बनाएंगे, इस सब को लेके कमेटी ने पूरी तरह से उनको अधिकृत कर दिया है। और अब आने वाले वक्त में इस बात का इंतजार रहेगा कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा में अपने राजनीतिक भविष्य को किस रूप में तलाशते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।